नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा स्किन को ग्लो करने और पिंपल्स को रिमूव करने का ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं कि इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाली है और आपके चेहरे की सुंदरता पहले के बजाय और भी निखरने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है आपको। तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी बेसन की। आप देख सकते हैं मेरे पास बेसन है। और अब हमें आवश्यकता होगी हल्दी की, तो मैंने हल्दी भी ले ली है। और हमें आवश्यकता होगी चंदन की। और अब हमें आवश्यकता होगी हनी की, जो कि शहद देख सकते हैं आप मैंने लिया है। और ये गुलाब जल आप किसी भी फैंसी स्टोर से ला सकते हैं। और ये है हमारे विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो जाएगा। और ये है खाली कटोरी, जिसमें हम पेस्ट बनाने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास दही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बेसन तो आपने देख लिया है। और सबसे पहले हम बेसन का एक चम्मच डालेंगे और एक चम्मच और डालेंगे। आप अपने आवश्यकता के अनुसार बेसन ले सकते हैं। आप कितना पेस्ट बनाना चाहते तो आपके, मैं बता देता हूँ, मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। और अब मैं लूँगा दही, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच और डालेंगे। 2 चम्मच मैंने दही ले लिया है। और अब हमें आवश्यकता होगी हल्दी की। हल्दी मैंने 1/4 चम्मच लिया है, क्योंकि हल्दी बहुत कम डालेंगे हम। तो हल्दी डालने के बाद हम लेंगे चंदन, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास चंदन है। आपको चंदन ले आना है मार्केट से। तो मैं चंदन का 1 चम्मच डालूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने चंदन डाल दिया है। तो चंदन डालने के बाद मैं इसमें डालूंगा गुलाब जल, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में 1 चम्मच मैंने गुलाब जल डाला है। और अब मैं इस पेस्ट को बना देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैं चम्मच के माध्यम से इस पेस्ट को बना रहा हूँ। इस पेस्ट को आपको अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार ही आपको पेस्ट बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पेस्ट बन चुका है, मगर अब थोड़ा काम बाकी है और भी। तो हम डालेंगे इसमें शहद। तो मैं इस शहद को खोल लेता हूँ। और 1 चम्मच हम लगभग 1 चम्मच शहद का डालेंगे। तो ये 1 चम्मच हो चुका है और इसको डाल दिया है मैंने। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इस पेस्ट में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन चुका है हमारा। और अब हम इसमें मिलाएंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो आपको पता ही होगा विटामिन ई हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। तो मैं इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला देता हूँ। विटामिन ई का कैप्सूल मिलाने के बाद भी इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये जो मैंने उपाय बताया है, इसका क्या फ़ायदा होगा आपको, ये आपकी स्किन के लिए, जो आपकी स्किन पे जो भी ब्लैक हेड या वाइट हेड हो, ये उपाय सभी को रिमूव कर देगा। साथ ही साथ आपके स्किन के डेड स्किन सेल्स को पूरी तरह से निकाल देगा और आपकी स्किन को पूरी तरह से अंदर तक क्लीन कर देगा। इस नुस्खे का ये फ़ायदा है और ये आपकी स्किन को ग्लो कर देगा। और आपको इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जिस जगह पर आपको इसको अप्लाई करना हो, उस जगह पर आप इसकी एक अच्छी सी मोटी लेयर लगा देनी है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक मोटी लेयर लगा देनी है। और जब तक ये ना सूखे, तब तक इसे रहने देना है।
जब भी ये सूख जाए फिर आपको इसको रिमूव कर देना है गुनगुने पानी से। तो दोस्तों ये उपाय आपको नहाने से एक आधा घंटे पहले करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होगा। इसको यूज करने के बाद आप नहा लीजिए ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और ये उपाय आपको सुबह करोगे तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है इस उपाय का। और आपको ये उपाय केवल हफ्ते में 2 से 3 बार ही करना है, आपको रोज़ यूज नहीं करना है, क्योंकि रोज़ यूज करने से आपको इसके दुष्प्रभाव भी दिख सकते हैं। इसलिए आपको मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप हफ्ते में इसको 2 से 3 बार ही यूज लें। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।